वार्ड नंबर 53 के लोग जो हैं वो आखिर अपनी कॉरपोरेटर तीरथ कोर से जो है वो क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं। अगर बात की जाए तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनके हस्बैंड कॉरपोरेटर हैं या फिर तीरथ कोर खुद कॉरपोरेटर हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो फील्ड में जो है वो आते हैं, लेकिन जब लोग अपने मसले मिसाइल बताते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक झूठा वादा कर जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि कल हम यहाँ पर आए थे, हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तो हम यहाँ पर जैसे ही आए हमने देखा ये नाली थी ना, जो ये नाली में से पानी ऊपर से जा रहा था और इतनी बदबू थी जिसकी कोई बात नहीं है। मैं अपनी हमारी जो माननीय कॉरपोरेटर हमारी बहन तीरथ को रैना जी से एक अपील करूँगा, या तो वो उनके हस्बैंड उनको गुमराह कर रहे हैं या वो भी जानबूझ के लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं, शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, जो हालात है ना गाँव से भी बदतर हालात हैं। देखो वो जो पुल है, पुल की कलवट नहीं है, कलवट में साइड में उसके रीलिंग नहीं है, नाले के ऊपर रीलिंग नहीं है, कितने रिस्क में लोग रह रहे हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है आकर लोगों की समस्याओं को समझाइए। देखो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारी माताएं खड़ी हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, आखिर कोई तकलीफ है तभी तो बाहर खड़े हैं ना, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है धूप में खड़े होने की। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने चलो हमारे साथ खड़े हुए यहाँ पर अपनी परेशानी बताई, ताकि हमने इनका थोड़ा सा चलो हम जितना कर सकते थे हमने किया, ये थोड़ा सा ये जो नाली का थोड़ा सा किया है, बाकी आगे भी देखते हैं कुछ अपना हमें जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनसे मिलेंगे, राहुल यादव से। काफ़ी खस्ता हालत है यहाँ पर, नालों की नहीं है, हर चीज़ की खस्ता हालत है, हर चीज़ की खस्ता हालत है यहाँ पर। यहाँ पर सड़कें ख़राब हैं ना, साइडों में सफाई हो रही है, आजकल बरसात का मौसम है, सांप निकलते हैं, पिच्छू निकलते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। का नशा जो होता है ना, अगर तो आपको अगर आपको जनता ने चुना है ना, आपको जनता ने नुमाइंदा बनाया अपना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है जनता के बीच में आना, जनता के साथ खड़े होना। यहाँ पर एक ही शिकायत आती है कि हमारे जो कॉरपोरेटर हैं, पहले तो हमारी माननीय बहन है, उनको किसी ने यहाँ पर देखा ही नहीं है, वो जो उनके हस्बैंड हैं वो इतनी बदतमीज़ी से पेश आते हैं सबके साथ कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं यहाँ के, ये लोगों से सुनते हैं हम, लोग कहते हैं, लोग इवन कि लोग अब कैमरे के सामने आके बोलने को राज़ी नहीं है, कारण कहते हैं जी वो बदतमीज़ इंसान है, वो हमारे घर आके गालियाँ निकालेगा हमको। इसलिए हमको आपको एक ही बात कहते हैं कि आप मीडिया हैं, आप एक ना कहते हैं ना डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, इसलिए हमने आपसे अपील की कि आप आओ यहाँ पर, लोगों की हालत देखो क्या हालत है लोगों की, लोग किस हालत में जी रहे हैं। मेरा नाम गुरपूरब सिंह है। ये पहली बार हमने पहली बार देखा इनको, ये म्यूनसिपैलिटी के ये क्या मुलाजम आते यहाँ, तक कोई आता ही नहीं है, हफ्ता 15 दिन में कोई आता ही नहीं है यहाँ, तो इसलिए लिहाजा ये है कि पता नहीं वो कहाँ घूम गया है तीर्थ कौर, वो नज़र तो आती नहीं है यहाँ। यहाँ वो पम्मी आता है, उसका घर वाला आता है, उसका काम ही नहीं है इधर। तो हमने पार्टी की वजह से हम बोल नहीं रहे थे, अब पार्टी क्या करेंगे, हमने बड़ा उसको बोला कि वहाँ उधर हम दरिया लगा देंगे घर में, मगर वो आते नहीं है यहाँ। मेहरबानी करके उसको ढूंढो कहीं, ये आप लोगों का मीडिया वालों का काम है उसको ढूंढना। तो ये देखो ना खम्भा गिरने वाला है, किसी के मकान पर गिर जाएगा ये वाला भी। तो ये देखो मिलने की कोशिश की उधर बड़ी बारी, हमने बोला था उसको एक बार, बोला मैं उधर धनिया तेरे घर के सामने डलाऊंगा फिर तुझे पता चलेगा, आता ही नहीं है वो, इधर काम करता नहीं है। आप देखो ये 12-18 इंच का पानी कभी 4 इंच में जाएगा। सर हमारी अपील ये है कि यहाँ पे बहुत पानी आता है, पीछे जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा नाला आ जाता है, नाले में पीछे बैक है। हमारी अपील है कि इसको थोड़ा सा पीछे वो दीवार, हाँ दीवार जैसी बन गई, और यहाँ से जब बारिश आती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, सारा मतलब बिल्कुल ही पानी पानी ही हो जाता है, सारा गंद यहाँ हमारे सामने ही रह जाता है, और सारी ये गली सारी गंदगी हो जाती है, कोई नहीं आता है यहाँ पे। हमने बहुत बार उनसे अपील भी की थी लेकिन कोई नहीं आता है, कि बस अनसुनी कर देते, कल आएंगे कि पीछे बैक है, बैक नाला है, बड़ा नाला है, तो बोलते हैं कल इनकी अलग ही कोई मतलब वो आ जाएगी टीम, वो कर देगी, लेकिन कोई नहीं आता है, कल करके कि यही होता है कि कोई नहीं आता है। अब जिस तरह से बरसातें चल रही है, बारिश, हाँ बरसातें के कारण तो बिल्कुल ही बदबू आती है, चलना मुश्किल हो जाता है, आते जाते जो भी लोग आते हैं तो मुंह ढक के चलते हैं, तो उससे बीमारी, वैसे ही घर में पेशेंट है उसके कारण हम वैसे ही परेशान हैं, तो बारिश और हम परेशान हो जाते, क्योंकि ये जो ये बदबू आती है उससे हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी भी मतलब कि आया कोई नहीं इधर, कभी कारपोरेटर को देखा ही नहीं है इस गली में, उनका घर वाला ही आता है या आता है,
काम कुछ नहीं बताता, लारे लगाता है। जबकि कॉर्पोरेटर बने तब का कोई काम नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं हुआ जी। ये देखो तारे निकली हुई हैं बिजली की, ये जोड़ने के लिए भी नहीं आता। इतना मच्छर है, खड़ा होना नहीं होता। बच्चों को हमने उठा उठा के पार लगाते हैं, इतना जब पानी आता है। बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है, लोगों को बहुत दिक्कत है। कभी कॉर्पोरेटर से मिलने की कोशिश की? बहुत बार। क्या बोला जाता है? वो लारे लगाते हैं, आ जाएंगे, नाम बता दो, जगह बता दो, कौन सा वार्ड है आपका, तो बस यही करते हैं। और तो कुछ भी करते, काम तो कोई करते नहीं। मंजोत सिंह, कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पर? सर बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर। जब भी बारिश आई, इतना कूड़ा, इतनी स्मेल हो जाती है, इतने मतलब कि बार बार तक नालियाँ भर जाती है। और बच्चे इधर खेल रहे होते हैं सारे, मतलब कि इतने कटाणु होते हैं, बनता मतलब कि बीमार हो सकता है उस चीज़ से। हम कोई कॉर्पोरेटर नहीं आते इधर, वो देखो आप खुद ही देख सकते हो, गली की हाल देख लो आप एक बार, इतना गंद पड़ा हुआ है, नालियाँ बार बार तक आ रही हैं सारियाँ यहाँ पर। इतना गंद, पीछे नाली भर जाती है जब भी बारिश आती है, पूरी पूरी बार बार आ जाता पानी सारा, जिसकी वजह से सारे बीमार हो सकते हैं हम।